Welcome to Nursingophilia. Today I will discuss about the O2 administration. O2 administration होता क्या है, हम किस मेथड से O2 देते हैं, इसका फ्लो रेट क्या होता है, इसके ऑक्सीजन सिचुएशन कितनी होती है, किस पेशेंट को हम O2 देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी बॉडी में सैचुरेशन कितना होता है, ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल कितनी होनी चाहिए। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा 95% to 100% होनी चाहिए। अगर इससे कम होता है तो किसी पेशेंट में ऑक्सीजन लगाने की नीड पड़ती है। जैसे इंडिकेशन की बात करें तो हम किस किस पेशेंट को O2 लगाते हैं। जैसे पहला आपका होता है हाइपोक्सिया, ये सिम्टम होता है। हाइपोक्सिया होता क्या है, जो हाइपोक्सिया होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, अगर टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दैट इज द हाइपोक्सिया। देन आपका एक वर्ड आता है हाइपोक्सीमिया, अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड द हाइपोक्सीमिया। अगर किसी पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, किसी पेशेंट को MI का पेशेंट है और शॉक का पेशेंट है, बर्न का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट को नीड होती है ऑक्सीजन डिलीवरी करने की। अब हम आगे पढ़ेंगे किस किस मेथड से हम ऑक्सीजन देते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के। पहला आपका मेथड होता है नेजल कैनुला। नेजल कैनुला की बात करें तो नेजल कैनुला, इट इज़ द पोर ऑफ द नेजल कैनुला। ये जो होता है नॉस्ट्रिल में लगाया जाता है नेजल कैनुला। ये डिलीवर होता है आपका, फ्लो रेट करता है 1 to 6 liters per minute। 1 to 6 liters हम किसी पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवरी देनी होती है तो नेजल कैनुला का उपयोग किया जाता है। जैसे COPD पेशेंट में लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, अगर हमने किसी और मास्क का दे दिया ऑक्सीजन तो उसमें CO2 का लेवल बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा प्रेफर होता है COPD पेशेंट के लिए फॉर द नेजल कैनुला, जिसका फ्लो रेट होता है आपका 1 to 6 liters। और इसमें O2 कंसंट्रेशन की बात करें तो 24 to 44% होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फेस मास्क, दूसरा हम बात कर रहे हैं फेस मास्क में कई टाइप के मास्क आते हैं आपके, जैसे कि आपका होता है नॉर्मल फेस मास्क होता है, पार्शियल रीब्रीदर मास्क होता है, नॉन रीब्रीदर मास्क होता है और बेंचरी मास्क होता है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि आपका नॉर्मल फेस मास्क क्या होता है, पार्शियल रीब्रीदर मास्क क्या होता है और आपका नॉन रीब्रीदर मास्क क्या होता है, बेंचरी मास्क क्या होता है। पहले हम बात करेंगे फेस मास्क। फेस मास्क क्या होता है, जैसे इमरजेंसी कंडीशन होती है तो हम नॉर्मली फेस मास्क का यूज करते हैं। इसमें ऑक्सीजन फ्लो रेट की बात करें तो 5 to 8 minutes per minute यूज करते हैं और इसकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की बात करें तो 40 to 60% ऑक्सीजन डिलीवर होती है। देन हम नेक्स्ट पार्शियल रीब्रीदर मास्क की बात करें तो पार्शियल जो रीब्रीदर मास्क होता है ये आपका 6 to 10 minutes per minute होता है इसका फ्लो रेट। इसकी बात करें तो 60 to 80% ऑक्सीजन डिलीवरी होती है। और सबसे ज़्यादा जो आपकी इंपॉर्टेंट बात होती है नॉन रीब्रीदर मास्क, इसकी जो खासियत होती है नॉन रीब्रीदर मास्क की, इसमें बैग में एक थैलानुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे आप बोलते हो रिजर्वायर बैग। इस रिजर्वायर बैग का काम होता है जितने भी O2 कंसंट्रेशन होता है एक्सपायर वाले, वो क्या करते हैं ऐड करके वो आप ऑक्सीजन को डिलीवरी करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है इसमें 95 to 100% ऑक्सीजन डिलीवर होती है। इसमें आप 10 to 15 liters per minute ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट मास्क होता है बेंचरी मास्क। जो बेंचरी मास्क होता है इसकी खासियत ये होती है कि मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड होता है। इससे आप फिक्स O2 कंसंट्रेशन दे सकते हो। अगर आपको 2 liters देना है तो 2 fixed रहेगा, 2 to 3 liters नहीं जा सकता है। इसीलिए इसकी फ्लो रेट जो होती है आप 2 to 15 liters per minute तक दे सकते हैं। और इसकी O2 कंसंट्रेशन की बात करें तो इसमें O2 कंसंट्रेशन डिलीवर होता है 24 to 60% ऑफ द ऑक्सीजन। अब हम बात करेंगे कि अगर एज अ नर्स आप हॉस्पिटल में हो तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है O2 लगाने से पहले। सबसे पहले अगर आप किसी पेशेंट को O2 एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपका जो ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन होता है वो देना चाहिए। अब हम बताएंगे ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन क्या होता है। ह्यूमिडिफायर का मतलब होता है जो O2 चैम्बर होता है उसमें वाटर भरा हुआ होता है जिससे आपकी म्यूकोजा ड्राई ना हो।
क्योंकि अगर मोस्ट ऑक्सीजन देंगे तो हमारा म्यूकोजा मोस्ट ही बना रहेगा, अगर आपने डायरेक्ट ऑक्सीजन देते हो तो आपका म्यूकोजल जो होता है वो ड्राई होने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ होती है, अगर आप किसी पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवरी दे रहे हो तो आपका टाइम टू टाइम वह आपका सेचुरेशन चेक करना होता है। जैसे आप पल्स ऑक्सीमीटर से सेचुरेशन को चेक कर सकते हो कि आपने ऑक्सीजन दे रहे हो तो आपका सेचुरेशन कितनी आ रही है अभी। और आप दूसरा मेथड होता है, आप ऑक्सीजन चेक करने के लिए आप ABGB एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें भी आप ऑक्सीजन सेचुरेशन मीटर देख सकते हैं। तीसरा आपका होता है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, जैसे कि क्रिटिकल केसेस में होते हैं कि कार्डियक मॉनिटर लगा होता है, ICU में होते हैं, CCU में होते हैं, वहाँ पे कंटिन्यूअस SpO2 सेचुरेशन आता रहता है, तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है कि किसी भी पेशेंट का सेचुरेशन डाउन ना हो। अगर किसी इन केस किसी पेशेंट का सेचुरेशन बहुत ही 70% जा रहा है, 80% जा रहा है, 56% जा रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर किसी की ऑक्सीजन देने के बावजूद भी सेचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहे तो देन इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। आपका काम है कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करें कि आप ऑक्सीजन देने के बाद भी सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर रही है। और नेक्स्ट, आपका ऑक्सीजन के बारे में किस किस कोडिंग से हम जानते हैं, कितना कोड का मास्क होता है, किस कलर का मास्क होता है, कितना ऑक्सीजन फ्लो होता है, नेक्स्ट जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आपको इस बारे में अच्छा सा कंटेंट लाएंगे। इसके बाद थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू सो मच।